हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आपको लिंटर में कैसे पाइप डाला जाता है सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, छत में कैसे पाइप डाला जाता है ये आपको दिखा रहे हैं। छत में पाइप कभी भी सिस्टम से डालिए ताकि तार कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत का बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा दीवार ना कटे। इसलिए सबसे आसान तरीका आपको डाल रहे हैं छत में पाइप। देखिए कैसे डाला जाता है। देखिए, ये हमारा फिल बॉक्स है। फिल बॉक्स में हम क्या किए हैं कि कागज़ भर दिए हैं ताकि इसमें माल ना घुसे, सीमेंट ना घुसे, वाइब्रेटर चलाने पे कि माल इसमें ना जाए। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे। बैठा करके उसके बाद से अब पाइप डालेंगे। देखिए, एक रूम में चार कंसील बॉक्स हैं और एक फिल बॉक्स है। अब इसको कैसे लगाना है ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए, टेप जरूर लगा दिया जाता है। टेप लाओ तो बाबू। ये टेप ऐसे लगा दिया जाता है। टेप लगा करके उसके बाद से तब पाइप लगाया जाता है। तो वो कंसील बॉक्स हम जोड़ दिए हैं। अब क्या करना है हमको, इसमें पाइप हम काट लेंगे जितना जरूरत है उतना। और काट करके और टेप लगा देंगे। टेप लगा करके और इसको इसमें डाल देंगे। देखिए, हमारा कंप्लीट हो गया। हमको क्या करना है, इसमें एक कंसील बॉक्स आपस में दोनों को जोड़ देना है। खेलो बाबू, तो पाइप खेलो खेलो खेलो। देखिए, अब इसको देखिए, नाप करके रखा गया है। कभी भी सेंटर में नाप करके फिन बॉक्स को चाहे कंसील बॉक्स को रखना चाहिए ताकि पीओपी का डिज़ाइन बने तो देखने में सुंदर लगे। चलो जान लो जान लो। बस देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या करना है, हमारा पाइप लगा दिया है इसमें। हमको इसमें कागज़ लगाना है। तो क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। रख के खूब बने से इसमें कागज़ लगा दिया जाता है। इस वाले पाइप में हमको क्या करना है कि कागज़ लगा देना है ताकि इसके बीच में कुछ जाए ना, मसाला ना जाना नहीं जाना चाहिए। पाइप इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि कंसील बॉक्स बैठे खूब बढ़िया सीधा से। देखिए, अब हमारा बैठ गया, सीधा हो गया। अब हमको इसमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, टेप लगा करके उसके बाद पंखा करेंगे। यहाँ पे हम बॉक्स को पहले जोड़ देंगे। बॉक्स को बढ़िया से जो बैठा दिया जाता है उसके बाद से लगाया जाता है। ब्लेड दबाओ तो देखिए, अब हमको इसमें ऐसे टेप लगा करके लगाना है। तो क्या किया है, टेप इसमें लगा दिया है। हमको इसके इसका बेंड गिराना है। बेंड गिराना है कैसे, देखिए बेंड कभी भी नाप लिया जाता है पहले। पाइप जितना हमको ज़रूरत है उतना ही काटा जाता है। इतना मान लीजिए कि हमको ज़रूरत है, उसी के आधार से ऐसे बेंड को नाप लिया जाता है। उसके बाद से काटा जाता है। जितना ज़रूरत है उतना हम नाप लिए और नाप करके क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। इधर आओ बाबू। तो हमारा लग गया। अब हम क्या करना है, इस मार्केट को खुद से जोड़ देना है। जोड़ देंगे, कंप्लीट हो गया। अब ये वाला भी वैसे से एंड हमको गिराना है तो उसको भी हम टेप मार लेंगे। फिर आप स्टार्ट करके लगा दिया जाता है। कंप्लीट हो गया। अब हमको वहाँ पे बेंड गिरा देना है। बेल्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है कि मेन सर्किट गिराना है। देखिए, हमारा सारा मेन पाइप आ गया है। यहाँ पे हमको यही पाइप लेकर गिराना है और यहाँ पे गिराना है। गिराना है, आपको
बता रहे हैं। हमारा सारा मेन सर्किट का पाइप अब यहीं पे आएगा, हमारा यहीं पे आ रहा है सब सर्किट, यहाँ से भी और चारों तरफ से भी मेन सर्किट यहीं पे आएगा। अब देखिए ये हमारा मेन पाइप जो है सब वहीं पे जाएगा, मेन बोर्ड, मेन बोर्ड हमारा इसी के नीचे लगना है। देखिए ये हमारा बर्जा है, बर्जा में 6 लाइट लगा है। ये हमारा पोर्च है, पोर्च में हमको लगाए हैं 3 लाइट आगे साइड में। देखिए लगा दो बेंड वहाँ पे बाबू, यहाँ पे मेन बोर्ड वाला पाइप गिराओ। देखिए हमारा सारा सर्किट यहीं पे आया हुआ है।